अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम। उसको यार बंद कर दे, फिर ना शोर आता है वहाँ में। हो गया बंद? जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल था RGP ब्लॉग। सर कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? ब्लॉग नहीं कहेंगे अब, मैंने ब्लॉग है ना बंद कर देना है। ब्लॉगिंग वो तो होती है जो आपको रेगुलर फैमिली ब्लॉगिंग जो होती है डेली बेसिस के ऊपर। पर मेरा जो वीडियो कैसी लगी जो मैंने ऑफ रोडिंग की, यार अच्छी बनी है ना। देखे यार, अब मसला पता एक आ गया था उसके अंदर। मसला ये आया था कि उसके अंदर हो चुका था मेरे 14 प्रो मैक्स का कैमरा का कोई मसला आ गया। लेंस साफ नहीं था उसके पीछे। मैं नॉर्मली मैं प्रोटेक्टर लगाता नहीं, तो छोटे से ना प्रोटेक्टर मिले थे उन्होंने लगाया, वो उखड़ा हुआ था। मैंने एक ही लगाया था, वो वाइड एंगल पे बड़ा मसला आया। तो आपको देखिए यार थोड़ी सी गंदी क्वालिटी आई है, पर इंशाल्लाह मैं ना जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा मैं उसको इंशाल्लाह फिर मैं उसको साफ करके वीडियो बनाया करूँगा। अब Q&A करते हैं घर पहुँच के, और मैंने कहा यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो Q&A स्टार्ट करते हैं घर में पहुँच के इंशाल्लाह। अब मौसम भी बड़ा अच्छा है यार, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी। 3 hours later। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम। मैं क्यों इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे बाद वीडियो बना रहा हूँ, वो गाड़ी में था पहले, अब मैं घर आ चुका हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट का मैं आंसर देता हूँ जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप सॉरी यूट्यूब पे किए हैं। तो दिमाग में व्हाट्सएप चल रहा था। अब सबसे पहले हम कमेंट आए जल्दी जल्दी का इसको ख़त्म करते हैं, टाइम नहीं आपका ज़्यादा लेंगे, इसको करते हैं ख़त्म। अच्छा सर लिखा है, अब जो मैंने रिसेंटली अपनी फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट रियल ऑफ रोडिंग जो मैंने अभी अपनी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर गुलाम कासिम भाई कह रहे हैं मज़ा नहीं आया। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मैं और वीडियो बनाऊंगा, अच्छी बनाऊंगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा गुलजार शाहिद कह रहे हैं लेवल हो गया भाई, मज़ा आ गया आया ऑफ रोडिंग देख कर, थैंक यू सर। अच्छा यूज़र BF1BRF, अच्छा यू सो नाइस वॉइस, थैंक यू। आगे है हाशिर मेमन, ये कौन सी ऑफ रोडिंग है बर्गर्स की ऑफ रोडिंग, ये तो नॉर्मल रोड है, इससे ज़्यादा ख़राब तो रोड होते हैं गांव के। अच्छा यार ठीक है, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। काकू सियालकोटिया कोई, मेरे पापा की गवर्नमेंट की पोटो हार थी और उसमें हम यही करते थे, बड़ा मज़ा आता था। अच्छा सही हो गया सर। आगे फिर मेरे एक MGHS ऑटो पायलट जो मैंने सेकेंड लास्ट जो वीडियो अपलोड की है उसमें उरेश साहब कह रहे हैं जी आप रश ड्राइविंग करो। यार रश ड्राइविंग नहीं करनी, ये मेरा दिल ही नहीं, क्योंकि पहले मैं करता था, अब वो अंदर से वो कीड़ा मर गया, सीधी सी बात है, हम उसको कीड़ा ही कहेंगे। आगे हैं जी फिर मेरी वही ऑफ रोडिंग वाली वीडियो। यार ये गाली निकाल रहा है बंदा, ये है राव सिकंदर, सॉरी थोड़ी यार मुश्किल होती है क्योंकि जो होते हैं ना जब आप कैमरे के सामने बोल रहे होते हैं ना तो वर्ड्स भूल जाते हैं। राव सिकंदर साहब कह रहे हैं गाली निकाली उन्होंने, तो अल्लाह इनका भला करे। अच्छा जी यूज़र QZMMM ये कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, मज़ा आया, थैंक यू लर्निंग यूट्यूब। ये दिल हार्ड बनाया दिल। बिलाल मिर्ज़ा कह रहा है जी बेस्ट ऑफ लक खुर्रम भाई, ये वही बिलाल है जिसने मेरी फर्स्ट ऑफ रोडिंग, ये मेरा ही बनता है। अच्छा ये हुसनैन JP ये कह रहा है किंग खुर्रम शिजद लव यू। अच्छा थोड़ा सा उनसे एक मिस्टेक हो गई। अच्छा हरून बोस कह रहे हैं 9807 कह रहे हैं जी थोड़ी वीडियो लंबी होगी, कमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है यार, क्योंकि हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। जब आपको तो प्रोनाउंसिएशन तो हो जाती है तो, पर जो वोकेबलरी थोड़ी सी ना यार वो @ जब साथ आए तो ना समझ में ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्ड साथ साथ जुड़े होते हैं। हरून बोस कह रहे हैं खुर्रम भाई डोनट्स करो प्राडो पे, सर थोड़ी तो बहुत ही किए थे मैंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। मुझे ना बड़ा दुख होता है जब मैं डोनट्स वगैरह करता हूँ ना प्राडो में, यार इसमें ज़्यादती होती है गाड़ी पे। आगे है रायान उस्मानी कह रहा है जी माशाल्लाह लैंड क्रूजर प्राडो हो या V8 दोनों का मुकाबला नहीं, माशाल्लाह कहता है परफेक्ट ऑफ रोडिंग खुर्रम भाई, बिग फैन फॉर यू, थैंक यू सर रायान भाई। अच्छा जी दिकार थ्रोटल्स कह रहे हैं लव यू खुर्रम भाई, थैंक यू भाई, एडिटिंग बहुत अच्छी है, आउट TV कोई नाम है, बाकी अभी कच्चा और डरपोक ड्राइवर है। मुझे डरपोक ड्राइवर कच्चा ड्राइवर, हाँ यार मैं हूँ 4x4 को ऐसा चला रहा है जैसे आल्टो कमेंट किसी ने सही किया था। सही है, अब उसके आगे रिप्लाई भी नहीं करना चाहता यार, मैं बहुत कच्चा ड्राइवर हूँ बाकी। तो आगे है अलोन बॉय कह रहा है इधर से मेरी आल्टो, यार मैं इसका वैसे जिक्र ही कर रहा था छोड़ो। अच्छा ZS मोटो शॉर्ट कह रहे हैं ज़बरदस्त, सही हो गया लवर, ये ZS मोटो शॉर्ट वो ये मैं आपको बता दूँ सीरियस, ये वही बंदा है अक्राश है और ये मेरी वीडियोज़ आप एडिट करता है। अच्छा लवर
लवर 783 कह रहा है यार वो अल्टिस कहाँ गई यार। हाँ जो अल्टिस है वो मैंने भेज दी। कमाल शॉट 12 मिनट पे कहता कमाल शॉट था वो, जैसे रोल की थी ना गाड़ी। ये कौन कह रहा है? मुश्तबा अली भाई, थैंक यू सर। अच्छा आगे है जी, आगे है जी, आगे है जी, हम आते हैं। आपने जब से रेस छोड़ी है तब से चैनल ग्रो करना रुक गया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। जो इज्जत शराफत सच ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसमें इतना मीठा नहीं है, दुनियावी तरक्की नहीं है, इसमें इंसान स्लो ही होता है। जब हमेशा सच बोलना शुरू कर दोगे थोड़ा बैक पे जाओगे। रूहानी तौर पे तो आगे ही होगे आप, पर दुनिया आपको पीछे छोड़ेगी। ये ऐसी ही है सर। नंबर 2 है जी, MG है, MGHS कैसी गाड़ी है और रीसेल भी कैसी है इसकी? ये भी काकू सियालकोटी कह रहे हैं। ये ऐसे है जी भाई, MG यार, MG की ड्राइव बड़ी अच्छी है, सस्पेंशन बिल्कुल फारग है, स्टिफ सस्पेंशन है, बहुत हार्ड है, ठा ठा करके मारती है, और मुझे इसकी शिफ्टिंग बिल्कुल भी गंदी लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाकी लुक वाइज MG है बहुत अच्छी है HS। आगे फिर काकू सियालकोटी भाई कह रहे हैं मार्क X300 लें और उसके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसको व्लॉगिंग पक कर रहे हैं। यार मैं नहीं करूँगा ये, क्योंकि ऑलरेडी बड़े लोग मार्केट में कर रहे हैं इस तरह की। मैं थोड़ी सी वेरिएशन चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो दुनिया कर रही है मैं भी वही करूँ। अल्लाह उनको कर तरक्की दे, पर मैं हर बंदा मार्क एक्स पकड़ी हुई है, किसी ने मार्क एक्स पकड़ी हुई है, किसी ने सिविक पकड़ी हुई है, दो मॉडल चल रहे हैं उसको उठा के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ कह रहूँगा कोई ऐसी गाड़ी यार यूनिक तो हो यार कोई चीज़। ये मार्क एक्स, ये सिविक खटारा सी, ये मार्क एक्स बहुत अच्छी गाड़ी है बहुत, पर ये ऑलरेडी हर बंदे के पास है, यही कर रहा है, हर बंदे के पास है, पर हर यूट्यूबर यही उसके ऊपर ही वीडियो रैप कर लेता है, उसको उखाड़ लेता है। पर मैं इंशाल्लाह कोई और गाड़ी करेंगे इंशाल्लाह। फरहान खान कह रहा है आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कोई भी नहीं। मेरी ड्रीम कार वही है जो मेरे पास है। दरअसल मुझे ना बाइकों का ज़्यादा शौक है, मैं कह दी है, पर मुझे मशीनरी के साथ शौक है। ऐसा सच मुझे कोई गाड़ी, मेरी कोई ड्रीम कार नहीं है, कोई भी कार मेरी ड्रीम कार नहीं की यार ये हो मज़ा ही आ जाए, जो है वो है। वैसे मुझे जो अच्छी लगती ना वो एवेंटेड और अच्छी लगती है। उसकी जो आवाज़, उसकी लुक्स, वो एवेंटेड हो रही है, लैम्बोर्गिनी। अच्छा कोई न्यू कार लें उसको मॉडिफाई करें इंशाल्लाह। ये वलीद वलीद इंस्टाग्रामर खान कह रहे हैं। अच्छा इंशाल्लाह। आगे हैं मोईद, अलोंग विद यूट्यूब चैनल व्हाट इज़ योर मेन वर्क? यार मैं काम जो कर रहा हूँ वो है, सच्ची बताऊँ, हम मार्केटिंग हमारा काम है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी। मार्केटिंग ऑल ओवर जितना भी पूरे पाकिस्तान में ब्रांडिंग होती है किसी भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हम उनके साथ काम करते हैं। अच्छा जी रज़ियुल्ला, रज़ियुल्ला लिखा हुआ है जी। खुर्रम भाई व्यू क्यों नहीं आ रहे, ये आप लोग बताओ ना, क्योंकि मेरे पास इतने कंटेंट नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, और मैं रेगुलर व्लॉगर नहीं हूँ, रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करता, इसलिए। आप मार्क एक्स क्यों नहीं लेते? सर मार्क एक्स नहीं लेते ना, मुझे नहीं अच्छी लगती है यार, हर बंदे के पास है वो, हर बंदा उस पर वीडियो, पास तो मैं फिर वही पुरानी बात, पास तो है पर हर बंदा उस पर वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं भी बना लूँगा तो मुझ में उनकी क्या फ़र्क रह गया? कोई नई चीज़ मार्केट में इंशाल्लाह लेके आएंगे यार, ये आप इंशाल्लाह आएगी ज़रूर, प्रोजेक्ट ज़रूर आएगा। फिटनेस एंड मोटिवेशंस कह रहे हैं भाई कि मार्क एक्स क्यों नहीं लेते? इंशाल्लाह यार मैं कोई और गाड़ी लूँगा। फिर आ गया कोश यार, ये बड़े मुश्किल से नाम है, इकट्ठे लिखे हैं, पहले अहमद एंड पे है, कोशर अहमद लिखा हुआ है, जो भी है प्राउड पर, इन्होंने लिखा है प्राउडो पर, प्राउडो पर पता नहीं इस तरह लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं, HA Vlog लिखा हुआ है, BMW E46 प्रोजेक्ट लो फैसलाबाद में शुरू, शोर मच जाएगा, E46 प्रोजेक्ट फैसलाबाद में शोर मच जाएगा। अच्छा ये भी अच्छी गाड़ी हमें देखी है, वैसे मैंने आपको व्लॉग पढ़ा था, पहले कमेंट पढ़ा था। खुर्रम भाई वो मर्सिडीज़ कहाँ है? यार वो मैंने भेज दी थी, मुझसे लग गई थी, और उसके लेफ़्ट साइड वाले सारे एयर बैग्स खुल गए थे, सीट वाले और पिलर वाले, तो वो इसलिए मैंने भेज दी। मैंने ली थी 30 लाख की, उसके ऊपर मैंने 10 लाख की लगाया था, उसमें मैंने टायर न्यू डलवाए थे, रिम्स ये वो हर चीज़, शॉक्स वगैरह, सस्पेंशन 10 लाख लगाया था, उसको मैंने फिर 23 लाख में बेचा था अल्हम्दुलिल्लाह। और वकास गेमिंग कह रहे हैं रैश ड्राइविंग करो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा कुछ नहीं जाना तो मेरा रहना कुछ नहीं, यार ये मुश्किल काम है यार, ये नहीं काम करना यार, वे रिस्की काम है, हम नहीं इसको करेंगे। मलिक एहसन मलिक जावेद
कह रहे हैं खुर्रम भाई कार के बारे में वीडियो बना सर यार, क्योंकि लोग थोड़ी सी आपस की बात है, वो लोग इतने शोर से मैसेज लिखते हैं तो मुझे समझ भी नहीं आती। बना सर मर्सिडीज़ कहाँ था, कहाँ है यार, मर्सिडीज़ कार भेज दी मैंने यार। आगे है जी मास आसिफ कह रहे भाई जो यूट्यूब पर चल रहा है ना कार मॉडिफिकेशन वही करो, लाइक प्रोजेक्ट कार और जैसे के न्यू कार बाय करें और तरह के कंटेंट बनाओ गाड़ियों के बारे में। यार मेरे पास प्राडो भी है, MG भी है और दूसरी गाड़ी भी है, सिविक मैंने भेज दी है, तो मैं मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं मोड कोई ऐसी गाड़ी यार, मैं उसके इंजन पे वर्क करना चाहता हूँ कि उसके हॉर्स पावर कैसे बढ़ाएं। ये एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन मुझे नहीं पसंद, मुझे इंटरनल जैसे उसके इंजन पे वर्क करना बड़ा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह उस पर करेंगे। अंजला अवैस MGHS बिल्ड क्वालिटी एनी प्रॉब्लम यार, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका सस्पेंशन बहुत गंदा है, उसकी शिफ्टिंग बहुत गंदी है। आगे है जी मुश्तबा अली, अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और फैसलाबाद से ही हूँ। आपका फ्यूचर में किसी और की मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट करना चाहिए और जुमा या संडे को फैसलाबाद का फूड एरिया यार, मुझे ना फूड ना मुझे इतना खाना पसंद है और ना मुझे इतना घूमना पसंद है, तो इंशाल्लाह गाड़ियों पर रह के करेंगे काम। आगे मोहम्मद नवीद कह रहे हैं भाई ड्रिफ्टिंग के लिए कोई और गाड़ी का प्रोजेक्ट करें, इंशाल्लाह करेंगे। आगे भाई मोहम्मद नवीद कह रहे हैं भाई नंबर दे दो। अच्छा इंस्टाग्राम पर मैंने इनको मैसेज भी किया है, नंबर नहीं वैसे मैसेज रिप्लाई किए। अबू जर खान कह रहे हैं लव फ्रॉम गुलामाबाद, थैंक यू सर। BMW E40 का प्रोजेक्ट और इंशाल्लाह। अब्दुल्ला राजपूत कह रहे हैं सर। अच्छा जी मलिक फादी कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट कार BMW E46 M एडिशन इंशाल्लाह कर, यार इस पे मैं सोच हर बंदे E46 की फोर्टी इंशाल्लाह करेंगे करेंगे करेंगे, सोचता हूँ करेंगे इंशाल्लाह। मलिक फादी फिर भाई प्रोजेक्ट कर रहे हो, रैश ड्राइविंग करें, रैश ड्राइविंग नहीं यार सॉरी। आगे है जी भाई इससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो मेरी मेहरान कर लेती है, वलीद अहमद कह रहे हैं। सही है, इसका जवाब देना बनता भी नहीं है। जो व्लॉग आपने अपलोड करना है वो 189 RB रसूलपुर में बनाया। हाँ जी ये केफ एजाज कह रहा है, ऐसे ही है। ग्लोरी ऑफिशियल डैड ऑफ MGHS, ऑफिशियल डैड ऑफ MGHS ग्लोरी। यार ग्लोरी मुझे इतनी हेट लगती है ना, देखने में वो चाइनीज़ लगती है, चाइनीज़ की भी इसी चाइनीज़ लो क्वालिटी इतनी गंदी लगती है ना मुझे। हर बंदे की अपनी चॉइस है, पर ये DFSK ग्लोरी कोई कह रहा है, उसने दस उसका ग्लोरी रखा ना गाड़ी उसको, इसलिए ग्लोरी कह रहा है। ग्लोरी मुझे बहुत बुरी लगती है। मोटर क्रेज कह रहा है जी भाई बाइक अपडेट दें R6 सेल की BMW। हाँ यार R6 मैंने सेल कर दिया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैंने BMW S1000 RR ले लिया, उसका कहते हैं तो मैं ब्लॉग उसका रिव्यू ले आऊँगा। फैट मोस्क पता नहीं क्या लिखा हुआ, आपका नंबर आपका बिजनेस, भाई आपका बिजनेस किस चीज़ का है, मार्केटिंग का। भाई प्राडो सेल पराडो, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, आप लिखने खुद इस तरह के कमेंट आते हैं मुझसे नहीं पढ़े जाते। अब उन्होंने क्या लिखा है ये देखें, आपको थोड़ा उल्टा ने पाराडो ऐसा लिखा हुआ है, पाराडो सेल करके TXZX ले लिया। अच्छा क्योंकि उनके टाइपिंग में भी थोड़ा सा ना आया मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मुझसे वर्ड कुछ नहीं बोले यार इसके लिए, मुझे पता है इस पर भी मुझे मीम्स बना देंगे इसके लिए, पकड़ लेंगे। उतने तो बोलना नहीं आता, उतने तो पढ़ना नहीं आता। आगे हुसनैन जवेद कह रहा है खुर्रम भाई मार्क एक्स पर प्रोजेक्ट करें, इंशाल्लाह मार्क एक्स पे नहीं करेंगे, कोई और गाड़ी करेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहा है फेवरेट कार कौन सी है, फेवरेट कार मेरी कोई फेवरेट कार नहीं, मुझे सिविक वैसे अच्छी लगती है लोकल में। डेली व्लॉग किया करो, फहद अफजल कह रहे डेली व्लॉग से इंशाल्लाह करेंगे। शेख सुबहान आबिद कह रहे हैं सिविक X20 मॉडल कैसी है, अच्छी है गाड़ी यार, प्राडो कितने की ली। इब्राहिम वाइटी कह रहे हैं यार प्राडो मैंने 2016 में फ्रेश इंपोर्ट ली थी 70 लाख की, अब आप खुद ही लगा लें 11 मॉडल है कितने की होगी वो गाड़ी। यूट्यूब छोड़ना मत, बहुत डॉलर आते हैं, कीप इट अप, आपस की बात है। गुलजार राशिद भाई कह रहे हैं यार कहाँ डॉलर यार, कोई डॉलर इतने डॉलर नहीं आते। हाँ अगर आपकी वीडियोस मिलियंस में जाती है रोज़ अपलोड करते हो फिर आपको फ़ायदा है, मेरी तरह कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरे व्यूज़ थोड़े से कम है यार।
प्राडो की मेंटेनेंस वीडियो अपलोड कर रहे हैं यार, मैंने की है, आप देखें जाके। ये मोइज अली कह रहे हैं। गुलजार रशीद, कंटेंट कार बाइक से कर, कंटेंट कार और बाइक का करें यार, बाइक्स और कार का ही है यार। ये काफ़ी कमेंट है। और एक और कमेंट था, सरप्राइज अ फैन माय प्राडो ह्यूज यार। ये 77D डार्क एक्स कह रहे हैं जी, नंबर वन, आप क्या बिजनेस करते हैं, आपकी शादी हो गई है, आपके पास टोटल कितनी कार्स हैं? मेरे पास यार, मेरा बिजनेस मार्केटिंग के यार वो मल्टी। अच्छा, आपकी शादी हो गई है शायद। अच्छा, आपके पास टोटल कितनी कार्स हैं? मेरे पास टोटल यार 3 कार्स हैं, इंशाल्लाह 4 भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाउस दी कार्स BMW M5 कंपटीशन प्लीज टेल। M5 ऐसी है जैसे A5 है, सीधी सी बात है। फिर उसके ऊपर ये है, स्पोर्टी लुक में आ जाती है। अच्छा, ESM व्लॉग्स कह रहे हैं वांट MG व्लॉग्स बैक। यार मैंने अपलोड कर दिए MG के यार, काफ़ी व्लॉग ये इधर हमारे। खैर ये था यार, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन आंसर किए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या मुझे पता है एंड पे लोगे, वो इतने तो बोलना नहीं आता, इतने पढ़ना नहीं आता यार। अब वर्ड उसने इतने इतने मुश्किल लिखे हुए हैं, किसी को ऊपर टाइपिंग करते इंसान मिस्टेक कर ही देता है, तो फिर वैसे ही यार। और एंड पे यार मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत रेगुलर व्लॉग आएंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, कंटेंट बेस्ड आएंगे। ये नहीं मैं बस इस तरह बोलता हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये तो वैसे मैं कह यार कंटेंट ये भी बन जाए, आप लोगों का मैं जवाब दे दूँ। और कहते हैं तो मैं लाइव आऊँगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे, फिर आप लाइव जो कमेंट पढ़ने का और जवाब देने का मज़ा है, इस तरह नहीं। इस तरह 18 मिनट हो भी गए हैं तो इसमें थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना। तो सर यही था मेन चीज़ें कि मेरी सिविक जो थी XRS वो मैंने भेज दी, मर्सिडीज़ वो भी भेज दी मैंने, मुँह से लगी थी। और मैंने करोला भी भेज दी थी अल्टिस, जो पिछले व्लॉग्स में आपने देखी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।